इंट्रोडक्शन तो मैं उनको क्या कराऊँ, मैं खुद बचपन से आपका फ़ैन हूँ सर, ब्योमकेश बख्शी। एक एपिसोड देख के तो मैं डर गया था, इनफैक्ट एज अ चाइल्ड वो लकड़ी पे कोई चल गया था। नहीं 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 सर, वो विद द मेकिंग ऑफ महात्मा से वो इमेज फिर बदल गई। तो रजत सर हैं हमारे साथ जारपार में। सर सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग टू जारपार, एंड मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस अपने शब्दों में। मेरे शब्दों में मैं ये अगर कहूँ तो, अगर ऑथेंटिक और लज्जतदार कश्मीरी खाना खाना है ना, तो चाहे कश्मीर से आप उड़ के यहाँ आ जाएं, चाहे बम्बई से आए या चेन्नई से आए, तो यहाँ जयपुर में जारपार में ही खाइएगा, तो आपको कश्मीरी खाने का जो जायका है, जो उसका जो मज़ा है, एंड द प्रिपरेशन ऑफ द डिशेज इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई ऐसी डिश जो आपने आज खाई हो जो आपकी फेवरेट जारपार में हो? खट्टी बैंगन। खट्टी बैंगन तब तक लगा हुआ है। ऐसा कुछ हुआ कि मतलब जारपार आके कोई ऐसी किस्सा, कोई ऐसी मेमोरी कश्मीर की जो रीलिव हुई हो? क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप जब कश्मीरी खाना खाते हैं, वाजवान खाना खाते हैं, तो शादी के माहौल में खाते हैं, लेकिन यहाँ इस बनी हुई हाउस बोट में आके खाना, वो एक जो आप शादियों में खाते हो उसका जो मज़ा है, जो आप आम आराम से बैठ के खा सकते हो ना, वो भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। और हमारे जयपुर की पब्लिक के लिए एक अब कुछ, जयपुर की पब्लिक के लिए यही कहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट देयर एट जारपार टू हैव अ मील, देन you're missing something in Jaipur. So please come. Thank you. Thank you, sir.